प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड भारत के सामने तो झुकना ही पड़ेगा भारत की बातें तो माननी ही पड़ेंगी और उसने अगर अपनी आर्मी हटाई है तो ना भी हटाता तो क्या फर्क पड़ता हमारी डिफेंस हमारी आर्मी हमारी नेवी हमारे कर्नल हमारे सेना हमारे जवान माइंड ब्लोइंग है माइंड ब्लोइंग मतलब मुझे तो अपने अपनी सेना पर अपने जवान पर अपनी आर्मीज पर अपने कर्नल पर अपने, अपने डिफेंस के ऑफिसर्स पर

बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिनका आज जन्मदिन भी है तो पूरी इंडिया भारत की टीम की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तो ये वीडियो वैसे भी बहुत स्पेशल होगा इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत अरब ने जब समझ लिया कि भाई अरब देश को अगर डेवलप करना है तो भारत के समर्थन और भारत के सपोर्ट की जरूरत है तो अरब ने रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और भारत के साथ अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना स्टार्ट कर दिया सत्ताईस एकड़ की जमीन पे मंदिरें बना दी हालांकि भारत ने कहा नहीं भारत ने कहा नहीं कि हमको मंदिर बनानी है उन्होंने खुद कहा कि चलो मंदिर बनाते हैं और मोदी जी ने सिर्फ एक संवाद दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे अरब में जहां पर आप उंगली रखेंगे वहां पर आपके मंदिर बनेगी और इतना खूबसूरत एनोग्रेशन हुआ उसके बाद आईआईटी जो है वो वो उस उसका आउटलेट ले, ले लिया शिक्षा के लिए तो भारत अब शिक्षित देश में माना जाता है भारत अब इकोनॉमिकल पावर देश में माना जाता है भारत अब एटमी पावर देश में माना जाता है भारत अब बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशन में पूरी दुनिया में सबसे आगे माना जाता है भारत भारत अब मेक इन भारत में मेक इन इंडिया में सबसे आगे माना जाता है भारत अब आर्मी में डिफेंस में सबसे आगे माना जाता है और मुझे याद है कि अभी हालिया में एक आ, प्रोफेसर है आ, 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 सिंगापोरियन डिप्लोमेट प्रोफेसर जिनका नाम है किशोर उन्होंने अपने एक सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि ग्रेट ब्रिटेन इज नो लॉन्गर ग्रेट यूके इट्स टू इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री टूडे आफ्टर यूएस एंड चाइना तो ये तो यूएस को भी समझ में आ गया है और ये चाइना को भी समझ में आ गया है कि जितने भी डिप्लोमेट हैं जितने भी रिटायर डिप्लोमेट हैं जितने भी यूएन से रिटायर हुए हुए लोग हैं और जितने भी जो सर्वे लोग करते हैं वो सारे के सारे लोग अपने सर्वे रिपोर्ट में यही निकाल रहे हैं आने वाले 10-15 साल में चाइना पीछे रहेगा यूएस पीछे रहेगा भारत आगे रहेगा भैया हमारे यहाँ हमारे इस देश में 79.3 परसेंट लोग शिक्षित हैं और ये मैं नहीं बोल रही हूं ये सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है ये मैं नहीं बोल रही हूँ ये सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है या मैं मैं जो आपको आंकड़े दे रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट uh, के चाइना के वो मैं नहीं बोल रही हूँ वो सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है अच्छा देखिए 2011 में जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी तो भारत 8.2 परसेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट पे था और चाइना जो था वो 4.5 परसेंट में अनएम्प्लॉयमेंट पे था मतलब आधा आधा जैसे हमारे यहाँ 40 लोग अनएम्प्लॉयड थे तो चाइना में 20 लोग अनएम्प्लॉयड थे पर आज हमारे यहाँ अगर 10 लोग अनएम्प्लॉयड है तो चाइना में अट्ठारह लोग अनएम्प्लॉयड है तो ये मोदी जी ने इतनी खूबसूरती से साढ़े दस साल में भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है तो ऐसे सचुएशन में अब चाइना को भारत की शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी भारत के सामने तो झुकना ही पड़ेगा भारत की बातें तो माननी ही पड़ेंगी और उसने अगर अपनी आर्मी हटाई है तो ना भी हटाता तो क्या फर्क पड़ता हमारी डिफेंस हमारी आर्मी हमारी नेवी हमारे कर्नल हमारे सेना हमारे जवान माइंड ब्लोइंग है माइंड ब्लोइंग मतलब मुझे तो अपने अपनी सेना पर अपने जवान पर अपनी आर्मीज पर अपने कर्नल पर अपने आ, डिफेंस के ऑफिसर्स पर मतलब इतना गुरूर है ना मैं इतना गुरूर है मुझे मैं जानती हूं कि आज अगर चाइना बेवकूफी कर देगा कल चाइना बर्बाद हो जाएगा इसलिए वो उसको समझ में आ गया और 20 सालों के बाद 20 सालों के बाद उसने एकदम क्रिस्टल क्लियर लद्दाख और चाइना के साथ जो बॉर्डर पर था उसने अपनी आर्मी को हटा लिया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बहुत समझने की बात है पहले क्या होता था कांग्रेस की सरकार तिरपन चौवन साल थी तो सोनिया एंटोनियो जाकर के जो राजीव गांधी की बीवी हैं अहलिया हैं वो जाकर के चाइना के आतंकवादियों के साथ वाइन खड़काया करती थी और उसके कई पिक्चर्स भी हैं अगर सोनिया एंटोनियो को मेरी यह बात बुरी लग रही है तो वो डायरेक्ट मेरे ऊपर केस करें वैसे भी मुझे केस की आदत हो चुकी है मुझे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे भय ही नहीं होता है तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे ऊपर केस करें सोनिया एंटोनियो चाइना के उन लोगों से मिला करती थी जो भारत का बुरा करते थे जो भारत का बुरा चाहते थे जो भारत का बुरा करने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों से हाथ मिलाया करते थे जो चाइना के लोग उनसे सोनिया एंटोनियो की मुलाकात हुआ करती थी और और जाम से जाम खड़काया करती थी वो उसके बाद फिर जब उनका बेटा मैदान में आया राहुल गांधी तो राहुल गांधी जॉर्ज सरोस सैम पित्रोता उसके बाद फिर कुछ ऐसे आ, मुस्लिम देश के लोगों से मिलना जो जो भारत के लिए हमेशा अपने अपने मन में बुरा ही रखे हैं ऐसे लोगों से राहुल गांधी आज भी मुलाकात करते हैं तो अब चाइना को यह चीज भी समझ में आ चुकी है कि राहुल गांधी का कोई अस्तित्व बचा नहीं है सिर्फ वो गांधी का टैग है इसलिए वो किसी ना किसी सीट से खड़ा होता है तो वो जीत जाता है अदरवाइज ना ही गांधी परिवार का और ना ही कांग्रेस का कोई वैल्यू बचा हुआ है तो जो इट्स बेटर के राहुल गांधी के साथ टाइम स्पेंड करके या उसको फाइनेंशियल चीजें प्रोवाइड करके अगर भारत की सरकार से डायरेक्टली हाथ मिला लिया जाए तो बेटर होगा क्योंकि आतंक करने में आतंक करवाने में खर्च होगा ना चाइना को चाइना को पैसा देना पड़ेगा कांग्रेस को सोनिया एंटोनियो को गांधी परिवार को अब जॉर्ज सुरोस ने कितने पैसे खर्च किए ड्यूरिंग इलेक्शन हमने देखा है कि कई अरबों खरबों रुपए सिर्फ छोटे छोटे यूट्यूबर्स पर कांग्रेस ने खर्च किए हैं जॉर्ज सुरोस से पैसे लेकर के और न्यूज क्लिक के आरोप में बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो है वो अरेस्ट हुए हैं तो एक वातावरण बनाने के लिए एक एटमोस्फेयर मोदी जी के अगेंस्ट में बनाने के लिए जॉर्ज सरोज के साथ मिलकर के कांग्रेस और गांधी परिवार ने बहुत बहुत गंदा और बहुत ही डायबॉलिक टेररिज्म माइंडेड गेम खेला है आ, हमारे भारत में लेकिन वो पर्दा फाश हो गया वो वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गया तो अभी चाइना को ये एहसास हो रहा है कि ऐसे ही उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो खराब हो रही है डिफेंस कंडीशन खराब हो रही है उनकी पॉपुलेशन जो है वो अन्प्लॉय आनिंप्लाइम, सी बहुत बढ़ रही है सो दे थिंक कि हम अभी भी पैसा दें कांग्रेस को और पाकिस्तान को कि भारत का बुरा करो तो ये तो उनके लिए बुरा होगा इट्स बेटर हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो उनके साथ एक ट्रेड और बायोलिटरल का रिलेशन कर रखेंगे तो इससे तो चाइना की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी ना तो इसलिए बिल्कुल तो सही मैम अब अगर हम देखें तो 20 साल के बाद अगर इंडिया चाइना के मामला ठीक हो सकते हैं एलएसी पर सारे नॉर्मलाइज़ की तरफ आ सकते हैं तो एल ओ सी की तरफ क्यों नहीं एल ओ सी क्यों नहीं बेहतरी की तरफ आ सकता? अभी आज की खबर तो पांच टेररिस्ट जो हैं किल हुए हैं कश्मीर के अंदर और पीएम मोदी ने 42 इयर्स के बाद डोडा में जेके के अंदर एक मेगा रैली निकाली है जिसमें उन्होंने गारंटी दी है कि वो आ, कश्मीर के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के लिए करना चाहता है वो सब कुछ उन्होंने कहा तो क्या वजुहत है कि एल बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आ रहा देखिए टेररिज्म लास्ट ब्रीथ इन जम्मू एंड कश्मीर वो हम कहते हैं ना कि आ, कुछ खत्म होने से पहले वो थोड़ा बहुत बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता फर है जब दिया बुझने लगता है तो वो फड़फड़ करने लगता है तो उसी तरीके से पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन भी है और फारूक अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो 370 को वो फिर से लागू करेंगे और उसके बाद फिर वो अपने झंडे का रंग जो है वो भारत का जो अभी है वो नहीं रखेंगे वो फिर से वही इस्लामिक झंडे का रंग करवाना चाहते हैं वो एस सी ओबीसी के रिजर्वेशन को वो खत्म कर देना चाहते हैं वो रो रहे थे कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते पहले वो छाती पीट रहे थे मातम कर रहे थे वो कि भाई बुरहान वानी को याद कर रहे थे अफजल गुरु को याद कर रहे थे यासिन मलिक को याद कर रहे थे तो 1990 से पहले अगर जम्मू हमारे जम्मू एंड कश्मीर के आप हालात देखिएगा तो वो बहुत खूबसूरत था क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हाथ में था और 1970 में जाइए 1980 में जाइए लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर की सरजमीन के सत्ते पर अपना कदम रखा वैसे ही वहां पर एक आतंकी माहौल जो है वो स्टार्ट हो गया एक एक उग्रवादी माहौल एक जिहादी माहौल वहां पर स्टार्ट हुआ और मुझे आज भी याद है जब क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हूं तो उस हिसाब से मुझे एक यूएन फॉर्मर यूएन मेंबर मेम्बर है uh, मैं उनको मासी बोलती हूँ उन्होंने वो मुझे अपनी बेटी मानती है उन्होंने अपनी किताब मुझे दी है जिसमें जिसको पढ़ करके uh, मुझे समझ में आया कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता था और कश्मीरी पंडितों की बेटियों का बलात्कार होता था तो और कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था तो uh, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो वजीर डिस्को बाई कश्मीर जश्न मनाया करते थे इस नाम ये नाम देकर के वजीर डिस्को बाई कश्मीर और जब वहां पर एयरफोर्स ऑफिसर का गंजू बोल करके एक नर्स है उनका वहां के जजेस का जब गला काटा जाता था लश्कर तैयबा और यासिन मलिक के नेतृत्व में तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब गोल्फ खेला करते थे गोल्फ खेला करते थे उनको पता होता था कि आज वैली में पचास हजार कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाएगा उनको पता होता था कि आज कश्मीर के इस एरिया में जो है वहां पर एक लाख कश्मीरी पंडितों को के घर को जला दिए जाएंगे उनको पता होता था कि आज वैली के नीचे खाड़ी में जाकर के जितने भी कश्मीरी पंडित रहते हैं जिनका अखरोट का बागीचा है जिनका बादाम का बागीचा है जिनका जाफरान का बागीचा है उन सारी बहु बेटियों को रेप किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको जिंदा जला दिया जाएगा और पुरुषों को काट दिया जाएगा और वो बच्चियां जो अभी छह साल की हैं, जो पांच साल की हैं, उनको साल दो साल के लिए रख लिया जाएगा कि जब वो नौ साल की होंगी तो उनका रेप कर कर करके जब जश्कर तैयबा और यासिन मलिक थक जाएगा तब उसको भी दफना देगा ये बात फारूक अब्दुल्ला को पता होती थी लेकिन फारूक अब्दुल्ला गोल्फ में बिजी होते थे फारूक अब्दुल्ला वजीर डिस्को बाई कश्मीर में बिजी होते थे फारूक अब्दुल्ला अपनी शेर शायरी में बिजी होते थे फारूक अब्दुल्ला जश्न जश्न का और और मुजरे का माहौल बना करके अपने घर में रख रखे रहते थे पर वो और उन्होंने एक संवाद दिया था एक मैसेज दिया था कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुसलमानों के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और फिर से एक बार पूरी इंडिया भारत की टीम की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं खासकर नाजियालाई खान जी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी पे और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय जै भारत